मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इन दिनों आम उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। कई बड़े शहरों में स्मार्ट मीटर लगा भी दिए गए हैं। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद उपभोक्ताओं की आम शिकायत है कि लगाए गए स्मार्ट मीटर पुराने मीटर की तुलना में ज्यादा खपत बता रहे हैं, जो उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ा रहा है। स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ता उत्थान संगठन के प्रदेश उप सचिव सतीश वर्मा ने पश्चिमी मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के खिलाफ विद्युत नियामक आयोग भोपाल में उपभोक्ता के नियम का पालन एवं विद्युत नियामक आयोग के नियम 7 अगस्त 2013 के पालन संबंधी वाद दायर किया। दायर किए गए वाद में बताया गया कि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने से पूर्व नियामक आयोग में वाद दायर किया जाना था, जिसमें आम उपभोक्ताओं के सुझाव बुलाए जाने थे एवं दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्मार्ट मीटर पर कोई निर्णय लिया जाना था, जो नहीं लिया गया। इस प्रकार विद्युत वितरण कंपनी द्वारा एक पक्षीय निर्णय लेकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जो नियम के विरुद्ध हैं। आम उपभोक्ताओं को 6 अधिकार कानूनन प्राप्त हैं। इनमें से एक अधिकार बिजली मीटर का चयन भी है, जिसे बिजली कंपनी द्वारा यह अधिकार छीन लिया गया है। विद्युत मीटर नापतोल के नियम के दायरे में आता है। नापतोल के नियम 1999 तथा बिजली के मीटर नापतोल विभाग द्वारा सत्यापित करवाने का नियम था, जिसे हटा दिया गया। इसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो विद्युत वितरण कंपनी पर ना तो उपभोक्ता का नियम लागू हो रहा है और ना ही माननीय विद्युत नियामक आयोग के नियम लागू हो रहे हैं। इस प्रकार विद्युत वितरण कंपनी अपनी मर्जी के नियम चला रही है। विद्युत नियामक आयोग सन 2013 के नियम द्वारा धारा 8(1)(5) में उच्च दाब वाले 1 वर्ष और निम्न दाब वाले 5 वर्ष में सत्यापन करने का प्रावधान है, जो विद्युत कंपनी नहीं कर रही है। नापतोल के नियम के अनुसार उच्च दाब एवं निम्न दाब के तोल उपकरण 1 वर्ष में जांच करने का नियम है, परंतु कंपनी द्वारा आयोग के नियम का पालन नहीं किया जा रहा है एवं आयोग को उच्च दाब और निम्न दाब वाले मीटरों का 1 वर्ष में सत्यापन होने के नियम में संशोधन करना चाहिए। नियामक आयोग में वाद दायर करने वाले सतीश वर्मा ने बताया कि अपने हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक होना पड़ेगा तथा यदि उपभोक्ता के घर में स्मार्ट मीटर लगाया गया है और यदि वह सामान्य मीटर से अधिक खपत बता रहा है तो उसमें उसके खिलाफ उपभोक्ता को उपभोक्ता फोरम की शरण में जाना चाहिए या न्यायालय की शरण में जाकर न्याय प्राप्त करना चाहिए, तभी आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। उक्त मामले में विद्युत नियामक आयोग में मीटर संबंधित होने वाली सुनवाई में अपना पक्ष आपत्ति लगाकर रखना चाहिए। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान, FM की रिपोर्ट। मेरे द्वारा स्मार्ट मीटरों को लेकर के अनेक शिकायतें आ रही थी, तो उसके आधार पर मैंने विद्युत नियामक आयोग में वाद दायर कर दिया है। उपभोक्ता के सेवा में कमी में और विद्युत नियामक आयोग के नियम के सेवा में कमी के आधार पर जो त्रुटियां है उसके आधार पर मैंने करा है मैंने कायम और आम उपभोक्ता को न्याय दिलाने के लिए। स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं उसकी शिकायतें बहुत सारी आ रही है कि मीटर गलत चल रहे हैं और उनके परिसर में बहुत तकलीफ उठा रहे हैं लोग, उन शिकायतें कर रहे हैं तो कोई उनका निराकरण भी नहीं हो रहा, जबकि होना ये चाहिए था कि जब भी स्मार्ट मीटर लगाने के पहले कोई काम करना था इनको विद्युत नियामक आयोग को आयोग में पहले वाद दायर करना था। वाद दायर करने के बाद आम उपभोक्ता को सुझाव बुलवाए जाने थे, सुझाव बुलवाने के बाद इसके नाम से जो निर्णय होता उसके बाद ये लागू करना था, जबकि आम उपभोक्ता के परिसर में जो मीटर चल रहे सामान्य मीटर है वो भी इलेक्ट्रॉनिक है, बहुत बढ़िया है, इसके समय दिन तारीख और यूनिट सब दिखा रहे हैं, चारों चीज़ दिखा रहे हैं, वो किसी प्रकार की कोई इसमें नहीं है। और कंपनी को जब बदलना चाहिए जब मीटरों में त्रुटि हो, बिना त्रुटि के ये कर रही कंपनी तो गलत है ये, तो कंपनी यहाँ पर सबसे बड़ी गलती है उपभोक्ता के नियम का पालन नहीं कर रही है। उपभोक्ता को 6 अधिकार प्राप्त है जिसमें चयन करने का है, अपनी पसंद की चीज़ खरीद सकता है, लेकिन कोई कंपनी के पास मीटर नहीं है जो अपनी 5-6 कंपनी के रखना चाहिए जो अलग अलग अपनी पसंद का खरीद के लगा सके, तो ऐसी व्यवस्था नहीं है, ना ही उसकी मार्केट के अंदर व्यवस्था कोई कि उसका डीलर है जो उसको अपन जिससे खरीद सके। एक तो कंपनी उपभोक्ता के नियम का पालन नहीं करी चयन का, दूसरा विद्युत नियामक आयोग ने 7 अगस्त 2013 को नियम पास किया है उसमें धारा 8(15) में उच्च दाब वाले मीटर 1 वर्ष में और निम्न दाब वाले 5 वर्ष में सत्यापन का प्रावधान रखा है, पर बिजली कंपनी आज तक किसी उपभोक्ता के घर के ऊपर नहीं गई जांच करने कि मीटर सही है या गलत है, ना ही किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र दिया है, उपभोक्ता वहाँ भी ठगा रहा है। और दूसरा 8(15) का वो 8(19) के अंदर का देखें आप, 8(19) में ये है कि 8(19) में बिजली के मीटर आदमी चाहे तो उपभोक्ता स्वतंत्र लेब में भी जांच करा सकता है, पर मध्य प्रदेश में काफ़ी स्वतंत्र लेब नहीं जहाँ उपभोक्ता अपने मीटरों की जांच करा सके, इसलिए हमने आयोग में वाद दायर कराया है कि इसके जो लगा रही है इसके ऊपर आदर निरस्त करे, पहले वाद दायर करे कंपनी और सुनवाई करे वाकायदे आयोग और उसके बाद इस चीज़ का निर्णय करे, जब तक यही मीटर लगे रहने जाए ये हमारी मांग है। सतीश वर्मा नाम है मेरा, अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संघ का प्रदेश उप सचिव हूँ मैं। Subscribe now to most exciting channel ever.